हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जो मेरा इंटरव्यू 8 नवंबर को था, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा इंटरव्यू सेंटर माथपुर में था और ये हमारा जो बंगिया ग्रामीण विकास बैंक है उसके उसके मेन ब्रांच में हुआ था एक्चुअली। तो वो काफ़ी बड़ा ब्रांच था और वहाँ पे हमारे 3 पैनल थे और मुझे पैनल 3, मेरे एडमिट कार्ड में जो मुझे पैनल मिला था वो पैनल 3 मिला था। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या प्रोसीड्योर रहा, कैसे डॉक्यूमेंट चेक हुए, फिर कैसे हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद का क्या प्रोसेस था। तो मैं 7:30 तक वहाँ पहुँच गई थी मेरा इंटरव्यू वेन्यू पे। उसके बाद फिर हम लोगों को वो लोग बैठने का जगह दिया था, काफ़ी अच्छा ही अरेंजमेंट था। फिर हम लोग सारे बैठे हुए थे, सारे के सारे कैंडिडेट्स, और जो कैंडिडेट्स अपने पेरेंट्स लेके आए थे उनको वो गेट के बाहर ही रोक दिए थे। तो उसके बाद फिर 8:30 हमारा रिपोर्टिंग टाइम था कॉल लेटर में। तो 8:30 से क्या हुआ कि हम लोगों का वो लोग स्टार्ट किए एकदम डॉट टाइम पे, 8:30 में उन लोग स्टार्ट किए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करना है विथ सेल्फ अटेस्टेड। तो हमारा जिसमें एडमिट कार्ड में मेंशन ही था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का लेके जाना है, पर मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, 10 का और 12 का भी। 10 12 उन लोगों ने नहीं लिया, उन्होंने ग्रेजुएशन का जो हमारा तीनों ईयर का जो भी हमारा मार्कशीट था और जो फाइनल हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट का जेरोक्स, इसके साथ बर्थ प्रूफ चाहिए। या तो आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या 10 का एडमिट कार्ड या पासिंग जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आईडी प्रूफ था, और अगर आपका कोई भी चेंज हुआ हो नेम का किसी भी टाइम पे तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर और इसके साथ आपका IBPS का जो एप्लीकेशन था वो भी था उसमें। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि क्या क्या था। तो पहला नंबर पे था यहाँ पे IBPS का एप्लीकेशन फॉर्म। सेकेंड नंबर में उस ये अरेंजमेंट था, सीक्वेंस जैसे अरेंज करना था। इसके बाद हम लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ हम लोग देंगे वो अरेंज करना था। इसके बाद हम लोगों को अपना ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट था वो अरेंज करना था, ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। उसके बाद हम लोगों को एडिशनल जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई चेंज हुआ है नेम वगैरह में तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट था वो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके चेंज नहीं है तो इसमें आपका आईडी प्रूफ फिर आप देना था आपको। फिर उसके बाद क्या था कि जो लोग कास्ट से हैं, जो उनका सेंट्रल प्लस जो स्टेट का फॉर्मेट होता है दोनों सबमिट करना था, और ये सबकी एक एक ही कॉपी जेरोक्स लगी थी, इससे ज़्यादा नहीं वहाँ पे लिया गया था। तो और इसके अलावा एडिशनल कोई भी अगर आपके कभी भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ है वो भी तो उसके लिए एफिडेविट आपको सबमिट करना था। और एडिशनल आपका अगर कोई भी डिग्री है या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी आपने किया है, कोई भी जैसे कंप्यूटर कोर्स किया, ये सब चीज़ उसका आपको उसमें अटैच करना था। तो मेरा नहीं था क्योंकि मेरा कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट कॉलेज में भी रहा था और स्कूल लेवल में भी रहा था, तो मेरा ग्रेजुएशन में ही मेंशन था, इसलिए मैंने वो नहीं सबमिट किया था। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयड पर्सन है उन लोगों का NOC मस्ट था। ये सारा अरेंज करने का उन लोगों ने सीक्वेंस बता दिया 8:30 में। फिर थोड़ी देर के बाद अराउंड 9 बजे से लेके 9 बजे TCS वाले आए और 9 बजे से वो लोग अपना पूरा स्टार्ट कर दिए। आईरिस पहले सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक हुआ, आईरिस स्कैन हुआ, फिर हमारा पिक्चर क्लिक हुआ, बायोमेट्रिक फुल हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। तो जो जो पैनल अलॉट था वैसे ही 3 पैनल बनाए हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी, और आईरिस स्कैन के लिए भी 3 पैनल बनाए हुए थे। तो फिर हम लोग को जो जिसके जिसके जो पैनल था उस अकॉर्डिंगली वो लोग दो दो करके ही भेज रहे थे। तो फिर और मेरा 7 नंबर पे था मेरा इंटरव्यू का सीक्वेंस, क्योंकि हाँ यहाँ जो मैंने देखा सीक्वेंस वाइज हो रहा था, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज हो रहा था। तो वेस्ट बंगाल में
हम लोग के सीक्वेंस वाइज ही हो रहा था। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, वहां पे ये सारे जैसे अरेंज किया हुआ था, प्लस ये एक हम लोगों को चेकलिस्ट दिया गया था, वो उस चेकलिस्ट में, और एक फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया था, वो डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल किए थे। ये सारा अरेंज करके वहां पे वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे और सारा का सारा मिलाए, वो बहुत अच्छे से वो लोग चेक कर रहे थे, एक एक स्पेलिंग वगैरह जो भी है, नाम वगैरह सब अच्छे से चेक कर रहे थे। और उसके बाद अगर मान लीजिए किसी का कोई चीज नहीं है तो फिर वो चेकलिस्ट में नो लिख रहे थे, और लेकिन इंटरव्यू देने से रोका नहीं गया, इंटरव्यू देने दिया गया। तो बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ नहीं था, किसी का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं था ग्रेजुएशन का, तो फिर वो वहां पे उन लोगों ने नो लिख के वो उसके बाद फिर वो सबमिट कर लिया और एक डिक्लेरेशन लिखवाया कि हाँ ये चीज नहीं है, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फ्यूचर में वो लोग सबमिट करेंगे। मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मेरा सारा का सारा डॉक्यूमेंट उन लोगों ने सबमिट ले लिया, और फिर उसके बाद मेरा डीवी हो गया। फिर डीवी के बाद फिर हम लोग को बैठा दिया गया और 10 बजे के करीब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो मेरा 7 नंबर था, मेरे से पहले 6 लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। जब मेरा डीवी हो रहा था ऑलरेडी 1 और 2 नंबर का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। तो फिर हम बैठे हुए थे, उसके बाद फिर हम जहाँ बैठे हुए थे सारे उस हॉल से ले जाके दो दो करके वो लोग जो पैनल था, पैनल के बाहर का थोड़ी डिस्टेंस पे चेयर्स लगाया हुआ था, वहां पे वो लोग ले जाके बैठा रहे थे अकॉर्डिंगली। और जो हम लोग डीवी के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, वो वहां पे जो डीवी कर रहे थे वो लोग अच्छे से उसको चेक करके एक फाइल कर दे रहे थे, और वो फाइल हमारा डायरेक्ट ऊपर पैनल में, पैनल मेंबर के पास चला जा रहा था। और यहाँ पे वो जो हम लोग मेंस का एडमिट कार्ड होता है जो हम लोग फिल करते हैं, वो भी उन लोगों के पास पहुंच गया रहता है, वो भी हम लोगों के फाइल में वो लोग डाल देते हैं। इसके बाद फिर जब मेरा इंटरव्यू का टाइम आया तो मेरा क्या हुआ कि मेरे से पहले एक और लड़के का जो मेरे बात का था, उसके कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको उन लोगों ने पहले इंटरव्यू लिया। तो मेरा, मुझे लगा कि अगर, तो टाइम मैं देख रही हूँ कि अगर इसका इंटरव्यू पहले हो जाएगा तो फिर मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि टाइम 12 बजे से पहले होगा तो गुड मॉर्निंग बोलूंगी, ये मैं सोच के ही गई थी। फिर मैं वहां पे बैठी थी और मेरा पैनल का मैं वेट कर रही थी, और उसका उसका इंटरव्यू खत्म हुआ एकदम 12 बजने से 5 मिनट पहले। फिर वो लोग मेरे को 5 मिनट बाद कॉल किया, तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ना गुड मॉर्निंग बोलूंगी ना गुड आफ्टरनून बोलूंगी, मैं नमस्ते बोल के मैंने एंटर किया। तो मैंने देखा वहां पे पैनल में 7 मेंबर्स थे, और जैसे मैंने सुना था कि काफी छोटा रूम होता है, ऐसा वेस्ट बंगाल का नहीं था, काफी बड़ा रूम था। और मेरे लेफ्ट हैंड, मैंने जैसे ही एंटर किया तो वहां पे एक लेडी थी, लेडी इंटरव्यूअर बैठी हुई थी। वहां से स्टार्ट करके रूम के दूसरे दीवार के तरफ तक एंड हो रहा था, और काफी बड़ा वो पैनल बनाया हुआ था, और पैनल में 7 मेंबर्स थे। तो फिर मैं जब एंटर की, मैंने सबको नमस्ते बोला, तो फिर उन्होंने मुझे बैठने को बोला, फिर मैं बैठी और थैंक यू मैंने बोला। उसके बाद फिर मेरे लेफ्ट हैंड साइड से लेके, वो लोग भी काफी डिस्टेंस पे बैठे हुए थे, इस वजह से भी रूम बड़ा था तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे वो लोग बैठे हुए थे। फिर चेयरमैन सर ने मुझे अचानक ही पूछा कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में बोलोगे कि इंग्लिश में बोलोगे कि बंगाली में बोलोगे। तो मैंने बोला सर मैं तीनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, बट मैं जो टर्म्स है वो मैं बंगाली में एक्सप्लेन नहीं कर सकती सर। तो सर ने बोला कि ठीक है, वैसे भी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला कि ओके सर। उसके बाद फिर काफी वो उन्होंने इन्वायरमेंट को कूल डाउन कर लिया, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ी नर्वस थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि माई नेम इज रेनू सिंह, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैंने ये बस स्टार्ट ही किया था और मैंने अपना ईयर बताया कि हाँ मैं इस ईयर में पास आउट हूँ और मैं अकाउंट्स ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बताया, उसी में उन्होंने सडनली स्टॉप कर दिया, बीच में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्योंकि मेरा मैं पास आउट हुई थी काफ़ी साल पहले और उसके बाद मेरा इतना लंबा गैप था, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपका इतना लंबा गैप क्यों है। उन्होंने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन भी नहीं सुना। उसके बाद फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरा क्या रीज़न था
जो जेन्युइन रीजन था वो मैंने बताया, तो वो सेटिस्फाइड हुए फिर उन्होंने, और मेरा इंट्रोडक्शन सुना ही नहीं। उसके बाद उन्होंने अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। तो मेरा अकाउंट्स था तो मुझसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट इज करेंट रेशियो। फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि मेरा व्हाट इज करेंट रेशियो पूछा, फिर पूछा व्हाट इज वर्किंग कैपिटल और बैलेंस शीट के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज होती है उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि करेंट लाइबिलिटीज क्या होती है उसको, और उसमें क्या क्या है, और उन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछा, उन्होंने बताओ कि इसमें आइटम्स क्या क्या आता है। तो फिर ये मैं उस वक्त थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा पजल्ड अप हो गई थी, करंट लाइब्रेरीज में कंफ्यूज हो गई थी। फिर उन्हीं में से एक मैम जो बैठी हुई थी मेरे राइट हैंड साइड में, उन्होंने मुझे हिंट किया। मुझे पता था कि सनरी क्रिएटर बोलते हैं, लेकिन मैं उस वक्त मैं थोड़ा भूल सी गई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा करंट एसेट्स क्या होता है, तो मुझे सडनली क्लिक हुआ कि हाँ करंट एसेट्स तो सनरी डेटा, कैश, बैंक, ये सारे सारे करंट एसेट्स होते हैं। फिर मैंने तुरंत करंट लाइबिलिटीज भी बता दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे प्रोविजन पूछा, रिजर्व पूछा, सारे जो भी थे अकाउंट से ही थे, और क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के फर्स्ट ईयर के ही क्वेश्चंस थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसमें से मैं ये रिजर्व उस वक्त एक्सप्लेन नहीं करने सकी, और प्रोविजन में मैं एक्चुअली वो लोग प्रोविजन पूछ रहे थे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, और उस वक्त मैं पजल अप हो गई थी, ये दो क्वेश्चन मैं नहीं आंसर करने सकी। तो मैंने थोड़ी देर बोला कि सर लेट मी थिंक प्लीज, तो फिर उन्होंने मुझे बोला, फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैंने बोला सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ये बोलने के बाद उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पहले मैंने जो भी आंसर दिए थे वो संग संग इमीडिएट बोल रहे थे अच्छा ये आपने सही बताया, और बहुत ही पोलाइटली वे में वो लोग बात कर रहे थे और कंफर्टेबल बहुत फील करा रहे थे। उसके बाद जब मैं इधर चल ही रहा था तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे मेरे लेफ्ट हैंड साइड से एक सर ने पूछा अच्छा बताओ, और सिचुएशनल क्वेश्चन मुझसे मुझसे पूछा। तो उन्होंने मुझे सडनली पूछा कि अच्छा बताओ कि मान लो आप सेलेक्ट हो जाते हो और आपके ब्रांच में 3 मेंबर आते हैं, उसमें से एक पेंशनर है, एक फार्मर है और एक पंचायत का प्रधान है, तो आप बताओ आप पहले किसको डील करोगे। तो मैंने बोला सर मैं तीनों को डील करूंगी। तो नहीं, आपको एट अ टाइम पे एक ही जान को डील करना है, सबसे पहले आप किसको करोगे। तो फिर मैंने सर को बोला कि मैं पेंशनर को करूंगी। फिर उन्होंने पूछा कि कैस क्यों, तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो जो फार्मर है और जो प्रधान आए हुए हैं पंचायत के वो दोनों यंग हैं, पर पेंशनर तो डेफिनेटली सर वो एजेड ही होंगे, 60+ होंगे, तो उनको वेट हम लोग नहीं करवा सकते हैं, उनको फर्स्ट सर्विस देना हमारी प्रायोरिटी होगा। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आपका आंसर, उन्होंने बस मुझे बताया नहीं कि मैंने सही जवाब दिया कि गलत, पर मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो बोला वो सही था मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने जेन्युइन रीजन भी बताया कि क्यों हम लोग पेंशनर को पहले चूज करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने वो वहीं स्टॉप कर दिया। फिर एक और सिचुएशनल क्वेश्चन मेरे फ्रंट से ही चेयरमैन सर ने पूछा कि मान लो अगर आपको, आप तो रहते सिटी में हो और तो फिर आप तो कभी सिटी में रहते हो, तो अगर आपको रूरल पोस्टिंग मिलेगी तो फिर आप कैसे डील करो। फिर मैंने उसका भी आंसर दे दिया। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और मेरा ये पूरा जो इंटरव्यू का चला था ये तकरीबन 15 मिनट्स तक चला था। तो मैं इतने क्वेश्चंस का आंसर करके जब मैंने ये आंसर दिया तो चेयरमैन सर ने मुझे बोला ठीक है आप जा सकते हो। तो मैं अभी उठी भी नहीं थी, तो फिर एक और अचानक मेरे लेफ्ट हैंड साइड से जो सर बैठे हुए थे एकदम मेरे लेफ्ट हैंड के पास, उन्होंने सडनली एक और क्वेश्चन पूछा। तो वो अचानक, जबकि चेयरमैन सर ने मुझे बोला कि आप जाओ, तो मैं गई नहीं। उन्होंने पूछा कि आपका जो मेरा जेन्युइन रीजन था कि क्यों मेरे इतने इयर्स का उसमें गैप है और मैं अभी क्यों कर रही हूँ, उस पे बेस्ड उन्होंने पूछा। तो फिर मैंने उसका भी बताया। उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन और उनके बाद वाले जो पैनल मेंबर्स से उन्होंने पूछा, फिर वो सारे मेरे पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद फाइनली उन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। तो मैं जब उठी उसके बाद मैंने सबको थैंक यू बोला। उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छे से मैंने साइट से निकल के, क्योंकि वो जो सेटिंग किया हुआ था बैठने का
और वो चेयर से लेके पैनल मेंबर का स्पेस काफी कम था। तो फिर मैं अच्छे से वहां से उठी और अच्छे से सबको थैंक यू स्माइल के साथ बोल के मैं आराम से निकली गेट को, और गेट को बहुत ही पोलाइटली वे में मैंने क्लोज किया, क्योंकि आप और एंटर भी करने के बाद मैंने गेट को बहुत पोलाइटली वे में क्लोज किया था कि अगर हम लोग ये सब नहीं ध्यान देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि अरे इसको एग्जाम निकलने की ज्यादा जल्दी थी ये वो, तो मैं ये बहुत ध्यान से मैंने ये सारा करके फिर मैं निकल आई। उसके बाद फिर हमारा वापस से बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक फिनिश हो गया, उसके बाद हम चले आए। उसके बाद मैंने वहाँ के जो ऑफिसर थे उनसे पूछा कि सर और कुछ करना है क्या, मैं जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ आप जा सकते हो। फिर ऐसे करके मैं चली आई। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पहला तो ड्रेस काफी अच्छा रखना चाहिए, काफी अच्छा मीन्स इन अ डिसेंट वे आपको पहनना चाहिए। और वहाँ पे मोस्टली जितने भी थे सभी ने व्हाइट कलर की दुपट्टा था, और जो उनके कुर्ती थी या चूड़ीदार था जो भी था वो सारा का सारा बहुत ही लाइट कलर का था। से मैंने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया था और पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का मेरा था ड्रेस था। और शूज भी मैटर कर रहे थे, शूज मैंने बहुत अच्छा ही पहना था। मैं आपको इसमें वीडियो ये पिक्चर भी ऐड कर दूंगी शू का जो मैंने पहना था। उसके साथ मैंने स्किन कलर का सॉक्स वेयर किया था, और मैंने एक वॉच पहना था, और हेयर स्टाइल मैंने एक डाउन तरफ नीचे की तरफ पोनी किया हुआ था, और बहुत सिंपल ही था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और जो भी ज्वेलरी वगैरह आप इग्नोर कर दे इंटरव्यू वाले दिन, उस दिन कोई भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स ना ही पहने, अगर कान का पहनना भी हो तो बहुत छोटा छोटा पहने, जैसे मैंने बहुत छोटा छोटा पहना था। ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और अगर इससे और भी आपको कुछ और जानना होगा तो फिर मेरे को कमेंट में पूछिएगा जरूर, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। थैंक यू।